हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विवेक इकबा फिर साहब सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूँ हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा लेट हो गया थोड़ा सा क्या तो ज्यादा लेट हो गया आंख थोड़ी देर से खुली चलिए बच्चा स्टार्ट करते अन्यथा मैं साढ़े चार बजे उठ जाता हूँ बट टुडे आज क्या दिन था क्या शनिवार था क्या टुडे सैटरडे हो सकता उसके वैसे आख, थोड़ा सा देर से खुली हो बट कोई बात नहीं उठिए जगिए पेन उठाइए और चल पड़िए वो कहते हैं ना थोड़ी बहुत लेट हो गया कोई बात नहीं लेकिन पता चला अरे मंजिल है बैग उठाओ चल दो फिर मत सो तो मेरा एक बार बोला कि यार मंजिल है मैं पता है कैसे करता हूं जब मुझे लगा और दो मिनट हो गए लेट हो गया और मेरे बच्चे बहुत दिनों बाद लेट हुआ मैंने लेट होना छोड़ दिया पता है तुम्हें कितने दिनों बाद लेट हुआ मैं तो बोला यार मेरे बच्चे और मेरे बच्चों का पेपर है मंजिल उठाओ बैग चलो तुरंत मुंह धो कभी कभी मुंह भी नहीं लिया। चलो आ जाओ। ब्रिक्स मीटिंग, बहुत ध्यान दे जो ब्रिक्स देश है पांच देशों का समूह आप सभी जानते हैं ब्रिक्स कितने देशों का समूह है आप कहोगे सर ब्रिक्स पांच देशों का समूह है तो कभी क्या होती है साल में एक बार जो सरकार के प्रमुख होते हैं हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होते हैं उनकी मीटिंग होती है जैसे हर वर्ष अलग अलग स्थानों पर होती रहती है हर वर्ष क्या होती रहती है अलग अलग स्थानों पर होती रहती है इस वर्ष की बात करें तो रूस में होनी थी 2021 में कहाँ है, भारत में होनी है 2019 में कहाँ पर हुई थी ब्राज़ील में हुई थी वो होती है प्रमुखों की बैठक जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होते हैं सरकार के प्रमुख होते हैं और इसी तरह कभी आप देखते हो कि वित्त मंत्रियों की बैठक हो रही है कभी आप देखते हो व्यापार मंत्रियों की बैठक हो रही है और आज हम किसकी बैठक की बात कर रहे मंत्रियों की बैठक तो मतलब में वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात करते तो वो पांचों देशों के कौन मिलते वित्त मंत्री मिलते जब वो व्यापार से संबंधित बात करते हैं तो पांचों देशों के कौन मिलते पांचों देशों के कौन मिलते तो आप कहोगे व्यापार की कैसे एक दूसरे देशों में हम ब्रिक्स देशों में व्यापार को बढ़ा सकते हैं और जब पर्यावरण मुद्दों पर बात करेंगे तो किसकी बैठक होगी पर्यावरण मंत्रियों की बैठक होगी किस मुद्दे को लेकर पर्यावरण को लेकर तो ऐसी ही छठी ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की क्या हुई है बेटी बैठक हुई है किसके अध्यक्षता में रूस में क्योंकि 2020 में जितनी भी बैठक होंगी वो सब किसके अध्यक्षता में होंगी रूस के अध्यक्षता में जबकि 2021 में किसके अध्यक्षता में होंगी तो वो अपने इंडिया की अध्यक्षता में होंगी वो अपने भारत के अध्यक्षता में होंगी एक साथ एक साल अलग अलग देशों को ये करने का मौका मिलता है 2019 में इनके पास था 2020 में रूस के पास 2021 में हमारे यहाँ 2022 में फिर चीन 2023 में फिर साउथ अफ्रीका फिर घूम के ब्राजील से शुरू हो जाएगा 2024 में 25, 26, 27, 28 इस तरह से प्रत्येक वर्ष ब्रिक्स के पांचों देशों में से एक एक को बारी बारी से अध्यक्षता करने का मौका मिलता है अब सभी जानते कि भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है तो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया प्रकाश जावड़ेकर साहब ने इसमें प्रतिनिधित्व किया इन्होंने अपने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार हम जो अपनी नदियां हैं उनकी सफाई कर रहे हैं और देखो हमने यमुना नदी की भी सपनों में सफाई कर दी ये कह रहे हैं हमने नदियों की सफाई की और नदियों में तुम जाते हो तो नदियां कहती हैं हमें तो कोई देखने भी नहीं आया तो याद रखिएगा समुद्र में कूड़ा कि भाई हमने समुद्र को कूड़ा फ्री बनाने की कोशिश की है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं जो पर्यावरण से संबंधित सतत विकास लक्ष्य हैं उनको पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं इन्होंने ये भी बताया कि हम वायु की गुणवत्ता कि हमारे यहाँ पर वायु प्रदूषण कितना है उसके लिए हमने 2015 में 10 शहरों से वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात शुरू की, की थी किसकी शुरुआत की थी वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात की थी किसकी बात की थी हमने वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात हमने शुरू की थी वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात हमने शुरू की थी ये कह रहे हैं लोग और अब इनका क्या कहना है अब हमने इसको बढ़ा के कितना कर दिया 122 शहरों में कर दिया हमने इसको बढ़ाकर कितने शहरों में कर दिया कितने शहरों में कर दिया तो आप कहोगे हमने इनको बढ़ाकर भाई 122 शहरों में कर दिया तो ये चीज भी अपना ये लोग इसमें बताया कि पर्यावरण संबंधी हमने क्या, क्या क्या किया है ये सारी की सारी बात भी इन्होंने बताने की कोशिश की है ये सारी की सारी बात भी इन्होंने बताने की कोशिश की है चलिए और अभी एक यू आई पे और भी बात करेंगे सातवें ने ये भी बताया सातवें ने उन्होंने यह भी बताया कि भारत जो पार्टिकुलेट मैटर है क्या है पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकुलेट मैटर का मतलब होता है जैसे आपने कोई कोयला जलाया या आपने कोई राख जलाई कोई आपने मान लेते हो कहीं पर कुछ कूड़ा जलाया क्या जलाया कूड़ा जलाया वेस्ट जलाया तो जलने के बाद में आपने देखा होगा छोटे छोटे कार्बन के पतंगे से जो होते वो ऊपर ऐसे हवा में उड़ते रहते तो इन्हीं के साइज के आधार पर इन्हें क्या कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं या आप ये कह सकते हैं कण प्रदूषण छोटे छोटे कण होते जो सांस के साथ हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते इनका साइज बहुत छोटा होता है इसलिए इनको क्या कहते हैं पीएम टू पॉइंट फाइव और पीएम टेन क्या कहते हैं इनको पीएम टेन या पी एम टू पॉइंट फाइव अब कहोगे सर टेन क्यों कहते हैं इनको तो बच्चा टेन माइक्रोन मीटर टेन माइक्रोन मीटर माइक्रोन मीटर समझते हो ना एक माइक्रोन मीटर में टेन की पावर माइनस सिक्स मीटर होते हैं तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि आंखों से तो हमें नहीं दिखते लेकिन हमारी सांसों के साथ ये अंदर चले जाते हैं तो भारत ये भी कह रहा है कि ऐसे अगर मान लेता हूं दो सत्रह में सौ हुआ करते थे तो दो हजार चौबीस और अब कितने हो रहे हैं अब मान लेता हूं एक सौ तीस तो दो हजार चौबीस तक हम वापस इन्हें दो हजार चौबीस तक वापस हमें कितने ले आएंगे दो हजार सत्रह के लेवल पर ले आएंगे अर्थात बीस से 30 प्रतिशत कम कर देंगे दो हजार सत्रह के स्तर से हम दो हजार चौबीस तक बीस से तीस प्रतिशत कम कर देंगे पार्टिकुलेट मैटर पीएम दो पांच और पीएम टेन अब ये आता कहां से है? तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन होता है कहीं पर किसी का घर बनता है किसी का घर टूटता है तो घर बनने में जो वो धूल मिट्टी होती है आपने देखा होगा कि जो कोर्ट है वो आदेश देता है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा उसके चारों तरफ हरे हरी से पर्दे होते हैं पर्दे लगा दिए जाएंगे उन पर्दों का काम क्या होता है इस पीएम 2.5 और पीएम 10 को वातावरण में या आप ये कह सकते हैं हमारे आसपास फैलने से रोकना 2021 में किसके पास आ जाएगी 2021 में ये हमारे पास आ जाएगी अगर अब हम एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें हाल ही में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की पर्यावरण के प्रति हमने लंबी लंबी तो फेंक दी लेकिन हमने प्रदर्शन कैसे किया तो देखो हमें बहुत ज्यादा शर्म आने वाली है ब्राजील का पचपन रैंक है ब्राजील की कितनी रैंक है पचपन और हमारी एक रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हमारी रैंक एक है ब्रिक्स में भी सबसे बुरी दक्षिण अफ्रीका की पिचानवे चीन की 120, रूस की अट्ठावन और सबसे बेस्ट है ब्रिक्स में ब्राजील की हमारी कितनी है एक पर्यावरण प्रदर्शन जबकि सबसे बेहतरीन कौन था इसमें डेनमार्क और सबसे बुरी हालत किसकी थी लाइबेरिया की एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में अपने पर्यावरण की दशा सुधारने में सबसे अच्छा काम किसने किया है डेनमार्क ने किया है, है. जबकि सबसे एंड पर कौन रहा लाइबेरिया रहा सबसे एंड पर कौन रहा लाइबेरिया ब्रिक्स याद रखिएगा 2006 की बातें हैं 2006 में एक जिम ओ नील करके व्यक्ति थे एक बैंक है अमेरिका का गोल्डमैन साक उन्होंने ब्रिक्स नाम 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 दिया। ब्रिक नाम दिया? दिया। क्या ब्रिक दो जून 2006 में उन्होंने ब्रिक नाम दिया और उसी साल सितंबर 2006 में इन चार देशों की किसकी ब्राजील रूस इंडिया और चाइना ब्राजील रूस भारत और चीन इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई न्यूयॉर्क में इनके विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई बच्चा न्यूयॉर्क तब तक साउथ अफ्रीका का इसमें कोई सीन नहीं था अब ऐसे बैठक चलती रही बैठक चलती रही फिर इनके जितने भी नेता थे उन लोगों ने सोचा कि भाई हम कुछ ऐसा करते हैं कैसा करते हैं हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग मतलब एक पहली बैठक करते हैं और इन्होंने पहली बैठक फॉर्मल तौर पर 2009 रूस के याकिर टेरिनबर्ग में की कहां पर की रूस के याकिर टेरिनबर्ग कहां पर की यूस के याकिर टेरिनबर्ग में की पहली बैठक 2009 में फिर अगली बैठक में साउथ अफ्रीका को आमंत्रित किया गया और 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया हालांकि याद रखिएगा एक चीज कि साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कब किया है 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कब किया है 2010 में लेकिन फॉर्मल तौर पर जो भाग लिया वो 2011 में लिया मेंबर के तौर पर जो भाग लिया 2011 में तो इसका मतलब 2009 में भी चार देशों की बैठक 2010 में भी चार देशों की बैठक लेकिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को बुलाया गया था गेस्ट के तौर पर बैठक के बाद में ये सात मतलब मेंबर बन गया तो एक मेंबर के तौर पर कब इसने शपथ ली मतलब कब बैठक की 2011 में तो 2009-2010 सिर्फ चार देशों की बैठक हुई ब्रिक. और 2011 में पहली बार पांचों की बैठक हुई ब्रिक्स मतलब ये भी सदस्य के तौर पर दक्षिण अफ्रीका भी इसमें सदस्य के तौर पर शामिल हुआ किसके तौर पर सदस्य के तौर पर फिर ऐसे ही चलता रहा 2000 नौ में कहां पर हुई इसकी बैठक या के टेरिनबर्ग फिर 2012 में 2010 में ब्राजील 2011 में चीन और 2012 में इंडिया फिर हमने 2016 में मेजबानी की इसकी और अब कब नंबर आएगा 2021 में 2014 में ब्राजील में इसकी बैठक हुई थी वहीं पर ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई और 2015 से ब्रिक्स बैंक ने काम करना शुरू किया क्या शुरू किया ब्रिक्स बैंक जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक ही कहा जाता है जिसे हम शॉर्ट में ब्रिक्स बैंक कहते है हैं तो 2014 में इसके समझौते पर सिग्नेचर हुए 2015 में समझौता लागू हो गया और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने काम करना शुरू कर दिया इसका मुख्यालय कहां पर है चीन के शंघाई में पहले प्रेसिडेंट के कामत थे और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो मार्कोस प्राडो ट्राइजो ब्राजील के मार्कोस प्राडो ट्राइजो ये ब्रिक्स देशों का एक बैंक है स्पेशल जो उन्हीं देशों को लोन आदि देता है जो ब्रिक्स के सदस्य हैं एक चीज और समझिएगा यहाँ पर कुछ लोग नए हैं वो ब्रिक्स के बारे में नहीं जानते होंगे तो बच्चा ब्रिक्स एक देशों का समूह होता है जैसे संयुक्त राष्ट्र एक देशों का समूह है इसी तरह ये पांच देशों का समूह है जो आपसी एक दूसरे के हितों को आगे बढ़ाने का एक दूसरे के साथ सहयोग का काम करते हैं समझ रहे हैं मेरी बात जबकि अनिल किशोर साहब ये वाइस प्रेसिडेंट है 2020 के लिए थीम है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ वैश्विक स्थिरता साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी चलिए बच्चा सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका तो ब्रिक्स के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए एक ए क्यू आई के बारे में और कर लीजिए देखिए किस शहर का किस शहर में कितना वायु प्रदूषण है किस शहर में कितना वायु प्रदूषण है इसके लिए एक मानक होता है जिसे एक्वाई बोलते हैं या एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं क्या कहते एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे आप अपने खाने की क्वालिटी चेक करते हो जो कपड़े पहनते हो उसकी क्वालिटी चेक करते हो इसी प्रकार जो आप वायु ले रहे हो तो उसकी गुणवत्ता कैसी हो उसके लिए आता वायु गुणवत्ता सूचकांक हालांकि इसको 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लॉन्च किया गया था कब लॉन्च किया गया था इसे 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तौर पर इसको लॉन्च किया गया था इसमें कुल मिलाकर के आठ प्रदूषक तत्व जो होते हैं एट पॉल्यूटेंट्स को लेवल चेक किया जाता है एट पॉल्यूटेंट्स का या आठ प्रदूषक तत्वों का लेवल चेक किया जाता है लिख लेना कौन कौन पहला हो जाता है पीएम एम टेन मतलब ऐसे कण जिनका साइज टेन माइक्रोन मीटर तक है सेकेंड नंबर पे आ जाता है ऐसे कण जो जिनका साइज इसका चार गुना कम है ढाई मीटर तक है तीसरे नंबर पर आ जाता है नाइट्रस ऑक्साइड चौथे नंबर पर आ जाता है आपका सल्फर डाई ऑक्साइड क्या जाता है सल्फर डाई ऑक्साइड पांचवें नंबर पर आ जाता है आपका कार्बन डाई कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होती इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है क्या होती है कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत जहरीली गैस है अक्सर जो व्यक्तियों का आपने ठंडों में मृत्यु देखी होगी कि ठंड में कुछ लोगों का आता है पेपर में कि कमरे में वो अंगीठी जला के सो गए और उनकी मृत्यु हो गई तो उसका कारण सी ही सी ओ होता है उसके बाद में आ जाता है ओ थ्री सातवें नंबर पर आ जाता है आपका पीएम एम टू पॉइंट फाइव टू ओ थ्री सी ओ टू हो गया उसके बाद में आ जाता है एन थ्री और पी NH3 थ्री मतलब अमोनिया ये क्या होती है अमोनिया गैस कि हवा में अमोनिया की मात्रा तो नहीं है और आठवें नंबर पर आ जाता है लेड बोलते हैं इसको या सीसा सीसा बोलते हैं कि सीसा की मात्रा कितनी है तो इनकी सेफ मात्रा बता रखी है कि कितनी होनी चाहिए जब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सुरक्षित और कौन सी वो लिमिट है जब आपको बहुत ज्यादा खतरा है तो ये आठ प्रदूषक हैं जिनमें वायु गुणवत्ता सूचकांक नापता है और इन्हीं को नापकर वो सूचना देता है कि अच्छा है या बुरा है और इसके लिए इसने छह लेवल बना रखे कि जैसे अच्छा जीरो से पचास इक्यावन से सौ सेटिस्फैक्ट्री एक सौ एक से दो सौ थोड़ा मतलब खतरा है दो सौ एक से अगर ए क्यू आई ए क्यू आई दो सौ एक से ऊपर चला जाए मतलब 200 से ऊपर चला जाए तो आप ऐसा समझ लो कि अब क्या है खतरा है एयर की जो क्वालिटी है वो बेकार है एयर की जो क्वालिटी है वो क्या है बच्चा बेकार है लिख लीजिएगा टेन पॉइंट टेन टू पॉइंट फाइव टू ये तो नाइट्रस ऑक्साइड ये सल्फर डाइऑक्साइड सी ओ थ्री ये दोनों की दोनों किसके काम भी आती है एसिड रेन के काम भी आती है कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन एन थ्री पी बी ओजोन अगर समताप मंडल में है तो अल्ट्रा वायल किरणों से हमारी सहायता करती है और हमारे आसपास से जहां पर हम रहते हैं तो हमारे लिए पॉइजन भी है हमारे लिए खतरनाक गैस भी है इसका नामकरण हुआ 2006 में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई लेकिन 2009 में क्या हुआ 2009 में पहला सम्मेलन रूस के याकिटेरिन वर्ग में आगे आ गया जाता है बच्चा आपका अगला कि जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार आसान करना इज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत इसके इस, इस टॉपिक पे ऊपर एक नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है क्या किया है नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस का क्या किया है बच्चा उद्घाटन किया है नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है किसके साथ मिलकर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ तो भारत के जितने उद्योगपति होते हैं उनका एक संघ है इसलिए इसका नाम क्या नाम क्या पढ़ा भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई तो कंपनियों की ओर से तो किसने हिस्सा लिया सीआईआई ने और सरकार की ओर से किसने डी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड अंदरूनी व्यापार निवेश और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो विभाग है किस मंत्रालय के अंतर्गत व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत तो इन दोनों ने मिलकर इज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत इसके ऊपर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया है क्या किया है राष्ट्रीय सम्मेलन इनका उद्देश्य क्या है भारत के कारोबारी माहौल में सुधार करना भारत के कारोबारी माहौल में सुधार करना और कैसे भारत सरकार से जितनी भी परमिशन की आवश्यकता होती है जब भी नया बिजनेस शुरू करना होता है तो जितनी भी परमिशन की आवश्यकता होती है उन सब परमिशंस को लेना एक ही जगह से लेना अभी क्या होता है कि हमें कई जगह परमिशंस के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती है गवर्नमेंट ने लगभग 20 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां वो सिंगल एक जगह ही सारी परमिशन देने की कोशिश करेगी इससे भारत की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक है अभी कितनी है भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तड़ेसठ रैंक है वो और भी नीचे आ जाएगी अभी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है उसमें हम लोग काफी नीचे है उससे हम लोग आराम से मतलब अभी हमारी रैंक तड़ेसठ है सिक्सटी थ्री उसमें हम काफी अच्छा कर सकते हैं अब मेरी बात समझिएगा भारत में उद्योगपतियों के तीन संगठन है भारत में उद्योगपतियों के तीन संगठन है कितने संगठन है तीन समझिएगा भारत में उद्योगपतियों के तीन संगठन है एक का नाम है सी आई आई लिख लीजिए एक का नाम है बच्चा आपका फिक्की एक का नाम क्या है फिक्की अक्सर सुना होगा और एक का नाम होता है एसो चैन कोई पूछे तीनों के तीनों क्या है तो ये जितने भी व्यापारी होते हैं उनकी अलग अलग संस्थाएं हैं क्या है उनकी अलग अलग संस्थाएं हैं जैसे कि आप इनकी बात करोगे जैसे कि आप इनकी बात करोगे क्या नाम है फिक्की वालों की बात करोगे किसकी बात करोगे फिक्की तो यह बताएंगे जी हम लोग हम लोग इसका गठन 1927 में किया गया कब किया गया 1927 सौ एसोचैम का गठन 1920 में और सी आई आई इन सब में पुराना है इसका गठन किया गया था लगभग अठारह सो पिचानवे में कब किया गया था अठारह सो पिचानवे फिक्की के जो संस्थापक थे इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिड़ला कौन थे इसके संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला हर वर्ष इनके नए अध्यक्ष चुने जाते हैं क्योंकि ये व्यापारियों के संघ हैं सी के जो इस वक्त अध्यक्ष हैं, वो उदय कोटक हैं कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक किसके हैं सी के, है? के. उदय कोटक फिक्की के देखोगे तो संगीता रेड्डी फिक्की की अध्यक्षा कौन है संगीता रेड्डी कौन है बच्चा संगीता रेड्डी लिख लीजिएगा संगीता रेड्डी और अगर आप एसोचेम की बात करोगे तो इसके अध्यक्ष निरंजन हीरा नंदानी इसके अध्यक्ष निरंजन हीरा नंदानी एसोच 1920 फिक्की 1927 फिक्के उन्नीस सौ सीआईआई की बात करें तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिसंघ इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जबकि एसोच की बात हो जाती है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोसिएटेड चैम्बर्स एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया तो ये पूछेगा आपसे इनमें सबसे पुरानी सीआईआई फिर पूछेगा लाइन से लगाओ तो पहले सीआईआई फिर एसो चैम फिर फिक्की क्या है इनमें दे आपको तीन ये दे दी और आपको क्या दे दिया, दे दिया चार ऑप्शन में बी आपको बी आर ओ दे दिया सी आपको फिक्की दे दिया और डी आपको सीआईआई पूछ सकता है इनमें से एक अलग है इन चारों में से एक अलग है तो बी आर ओ तो भारत सरकार का जो सीमाओं पर सड़क बनाता है संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बाकी तीनों की तीनों जो प्राइवेट इंडस्ट्री होती हैं जो उद्योगपति होते हैं प्राइवेट उनकी संस्थाएं उनका गैंग मान लो इसे चलिए बच्चा तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सी आई आई उदय कोटक जबकि टी वी ये वाइस प्रेसिडेंट है और डी जी चंद्रजीत बनर्जी पीयूष गोयल जी हाल ही में सी आई आई ने एक एक्सपोर्ट के ऊपर भी डिजिटल सम्मेलन आयोजित किया था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था ये आजकल बाकी सारे काम छोड़कर इसका एक ही काम है कि भाई साहब अलग अलग उनमें हिस्सा लूं बाकी जो बच्चे इतने दिनों से ट्वीट कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान ना दे रेलवे के लिए श्रीपद नाइक ये रक्षा राज्य मंत्री हैं इन्होंने डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया था किसका डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 उसमें भी सी शामिल था उसमें भी कौन था सी शामिल था चलिए ये तो क्लियर हो गया आगे आ आग जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दो इसका कौन सा चरण चल रहा है दूसरा चरण चल रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसमें जो गांव होते हैं जहां तक पक्की सड़क नहीं है तो उन गांव तक पक्की सड़क बनाने की यह योजना है साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर यह लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को 25 दिसंबर 2000 को तो इसमें क्या है कि 28 सड़कों पर लगभग एक करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में निर्माण किया जाएगा और इसका उद्देश्य यह है कि जिस भी गांव देहात में जिस भी इलाके में मान लो ये ऐसा इलाका है यह मेन रोड है और इस मेन रोड से यहां पर एक गांव है जिसमें 250 या 250 से ज्यादा लोग रहते हैं 250 या 250 से ज्यादा की आबादी है कम से कम 250 होनी चाहिए और मेन रोड से जोड़ने के लिए इनके पास कोई सड़क नहीं है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहां पर 28 सड़कों का निर्माण किया जाएगा याद रखिएगा कितने सड़कों का 28 सड़कों का निर्माण किया जाएगा चलिए और एक और बात याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो सेकंड फेज है इसमें हिमाचल प्रदेश के बाद में प्रदर्शन करने वाला अच्छा प्रदर्शन करने वाला कि जिसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सही से क्रियान्वयन किया है सही से उसको लागू किया है तो हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है और जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दो के तहत जिसने सड़कों पर बहुत अच्छे से काम किया है उसमें हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है और जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पूर्वी राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य जो हैं उनके विकास मंत्रालय के मंत्री भी हैं जितेंद्र सिंह तो उन्होंने ही इन सड़कों की आधारशिला रखी है और उन्होंने ही यह बात बताई है कि भाई सुनो पहले नंबर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किसने काम किया तो पहले नंबर पर तो काम किया है अपने हिमाचल प्रदेश, प्रदेश में और याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में कि जो जनसंख्या है उसकी सबसे ज्यादा आबादी गांव में रहती है सबसे ज्यादा आबादी कहाँ रहती है गांव में हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत तक जनसंख्या गांव में रहती है 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के शुरू द्वारा शुरू किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके अंतर्गत ये ग्राम सड़क योजना काम करती है ये बताइए भारत का इस समय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है भारत का ग्रामीण विकास मंत्री कौन है आ गया जाता है अटल इनोवेशन मिशन भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत में बच्चों के अंदर कॉलेज के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और उन अनुसंधानों से यदि कोई प्रोडक्ट बनता है तो फिर उस प्रोडक्ट को आगे कैसे लेकर जाना है उस उत्पाद के लिए कैसे कंपनी बननी है और उसको कैसे इंक्यूबेट करना है इन सब के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था अटल इनोवेशन मिशन क्या नाम था बच्चा अटल इनोवेशन मिशन ये जो अटल इनोवेशन मिशन था जिसको शॉर्ट में आई एम बी बोल देते क्या बोल देते बच्चा ए आई एम बी बोल देते नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था किसके द्वारा शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा इसको 2018 में शुरू किया गया था इसके कई सारे लक्ष्य हैं जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं क्या होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं छठे से बारहवीं तक तो सिक्स से ट्वेल्थ तक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई किसकी स्थापना की गई अटल टिंकरिंग लैब कि अगर बच्चों को अच्छी लैब स्कूल में ही मिलेंगी तो वहां पर वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे और अगर वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे तो उनके अंदर वैज्ञानिकता का विकास होगा वो आगे जाके वैज्ञानिक आदि जरूर बनेंगे तो इस तरह से ये अटल इनोवेशन मिशन लागू किया गया अब इंक्यूबेटर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक नया कार्यक्रम आई क्रेस्ट लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन ने एक नया कार्यक्रम आई क्रेस्ट लॉन्च किया है क्या किया है बच्चा आई क्रेस्ट नाम से एक नया प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है आई क्रेस्ट और यह किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिल एंड मिलिंडा जो ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा इनके नाम पर एक एनजीओ है एक फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स ये बीमारियों के खिलाफ टीका बनाने में पैसा देते रहते हैं या कहीं पर किसी को कुछ आत्मनिर्भर बनाना होता है किसी को कौशल प्रशिक्षण दिलाना होता है या ट्रेनिंग दिलानी होती है तो उसमें भी ये पैसा देते रहते हैं दूसरी तरफ एक वाधवानी फाउंडेशन है ये भी एक एनजीओ है इन दोनों ने मिलकर ये आई क्रेस्ट कार्यक्रम शुरू किया है तीस जुलाई शाम सात बजे से उन्होंने इसके बारे में बात कही बिल एंड मेलिंडा गेट और वादवानी फाउंडेशन अब इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है कि भाई देखिए मान लेता हूं आप एक व्यक्ति हैं आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, समझिएगा आप एक कॉलेज के विद्यार्थी हैं और आप बैटरी से चलने वाली कोई ऐसी साइकिल बनाते हैं कि जो नॉर्मल बहुत ही बढ़िया है खर्चा कम है बैटरी से चलने वाली साइकिल बैटरी से चलने वाली साइकिल अब आपने बना दी और ये अच्छा काम कर रही है लोगों को पसंद आई अब जाहिर सी बात है इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होना चाहिए तो आपको क्या खोलनी पड़ेगी अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी इन सब की आपको नॉलेज है नहीं कि कहां से लोन लाऊंगा क्या होगा तो इस तरह के नई आइडिया पर जो कंपनी बनती है बिल्कुल नई आइडिया पर उन्हें स्टार्टअप कहते हैं क्या कहते हैं बच्चा स्टार्टअप तो स्टार्टअप जो होती हैं उनके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और वो कैसे काम करती हैं कहाँ से उनको फंड आता है कैसे उनको सुविधाएं कौन कौन से उनके लिए मतलब उन्हें ओवरऑल अपने काम के बारे में कम नॉलेज होती है और ऐसे जो लोग होते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट आदि होते उन्हें तो बहुत कम तो ऐसे लोगों को इंक्यूबेट किया जाता है क्या किया जाता है इंक्यूबेट जो पुरानी इंडस्ट्री के लोग होते हैं जो अनुभव वाले लोग होते हैं उन सब से उनको कनेक्ट कराया जाता है और उनके स्टार्टअप को एक बेहतरीन स्टार्टअप बनाने पर ध्यान दिया जाता है तो ऐसा ही करने के लिए इन्होंने ये समझौता किया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स और वाधवानी फाउंडेशन के साथ मिलकर आई क्रेस्ट अब जैसे इसमें कोई स्टार्टअप यदि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जैसे ऐसी कोई आपकी कंपनी है जो गांव-गांव जाती है और जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की जांच करती है तो ऐसी स्टार्टअप बहुत जरूरत है आज के समय पर छोटे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि आप एक ऐसी स्टार्टअप है जो बेहतरीन ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी हुई है या इस प्रकार का खाद बनाती है कि जो खाद केमिकल वाला नहीं है लेकिन जो पैदावार है उसमें बहुत वृद्धि करता है इससे किसानों को आप नए नए तरीके देते हैं जैसे हो सकता है कि आप गांव में जाकर कि किसानों को समझाएं कि भाई जब आपका इतना बड़ा खेत है तो अब खेत में तो आप ये कर सकते हैं इस प्रकार से खेती करें तो हो सकता है आपको ज्यादा फायदा हो जैसे मल्टी क्रॉपिंग मल्टीपल क्रॉपिंग इस तरह से इसके अलावा डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच और उपयोग में वृद्धि आप ऐसी स्टार्टअपे जिसने गांव गांव अपने सेंटर खोल रखे हैं उन सेंटर में कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे निकाल सकता है अगर उसको कैश की जरूरत है तो वो आपसे पैसे निकाल सकता है इस तरीके का कुछ भी जिससे डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच उपयोग में वृद्धि हो और महिलाओं के लिए आजीविका में सुधार आपने महिलाओं के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रखे जैसे अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री खोल दी या अलग अलग प्रकार के कपड़े सिलाई केंद्र खोल दिया तो अगर इन क्षेत्रों में कोई स्टार्टअप काम करती है तो उसको जो फंडिंग की बात है वो कौन करेगी बिल एंड मिलिंडा गेट्स और वाधवानी फाउंडेशन किसके तहत आई क्रेस्ट प्रोग्राम के तहत नीति आयोग की बात करें तो हम सभी जानते हैं 1928 की बात है ये एक स्टालिन करके व्यक्ति था कहाँ का स्टालिन करके ये रूस का व्यक्ति था इसने रूस में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना लेकर आया क्या लेकर आया पंचवर्षीय योजना फाइव ईयर प्लान लेकर आया इससे हमारे नेहरू जी बहुत प्रसन्न हुए और मार्च 1950 में मार्च 1950 में हमारे यहां भी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए कैबिनेट के, के डिसीजन से किसके डिसीजन से कैबिनेट के, के डिसीजन से योजना आयोग का गठन होता है किसका गठन योजना आयोग का गठन होता है जिसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं परंतु उपाध्यक्ष पहले गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। कौन बनते हैं? गुलजारी लाल नंदा भाजपा की सरकार आती है मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं योजना आयोग को बंद कर देते हैं और योजना आयोग की जगह एक जनवरी 2015 से नीति आयोग का नीति आयोग जब से बना सिर्फ इसने एक काम किया इसने रिपोर्ट पर रिपोर्ट निकाली और कैसे चीजों को प्राइवेट कर सकते हैं इनसे निकम्मे इनसे नकारा मैंने आज तक जीवन में कोई सरकारी अफसर ना देखा कि जिसने आते ही चलाऊ कैसे जैसे आपको एक बस दी गई कि भाई तुम्हें ये बस चलानी है उसने देखा बस तो खटारा है चलाने की जगह उसने बेच दी तो इन्हें सरकारी कंपनी मिली मान लेता हूं कुछ सरकारी कंपनी बहुत अच्छा कमा रही थी कुछ थोड़े थे तो इनको लगता है बेच दो अभी कल परसों भी कल ही इसने दो बैंक और देखे हैं सरकारी कि जिनको बेचकर प्राइवेट कर दो बहुत फायदा होगा तो ये इतने नकारा इतने मतलब कब्रिस मतलब कब्र में इनके पैर लटक रहे हैं कि इन पर काम नहीं हो रहा भाषण दिलवा लो इन पर ट्वीट करवा लो इन पर और सरकारी चीजों को प्राइवेट करवा लो सरकारी चीजों को प्राइवेट जितना भी कर सकते हो तो इसने अपने जीवन में सिर्फ एक काम किया है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चीजों को प्राइवेट किया है और अभी तो हॉस्पिटल्स की बारी आने वाली है हो भी गया वो स्टार्ट तो खैर चेयरमैन तो मोदी जी होंगे प्रधानमंत्री वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत सीईओ अमिताभ कांत चलिए अटल इनोवेशन मिशन मैं क्या बता रहा था कि इसमें अटल इनोवेशन मिशन में कुछ छह प्रोजेक्ट होते हैं अटल टिंकरिंग लैब ये स्कूल स्तर पर प्रयोगशालाएं अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये विश्वविद्यालय और कॉलेज के स्तर पर स्टार्टअप को ट्रेनिंग करने के लिए स्टार्टअप वाले जो लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए अटल न्यू इंडिया चैलेंज अलग-अलग चीजों पर ये चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित करते रहते हैं मेंटर इंडिया कैंपेन इसमें क्या होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोग एनजीओ के लोग बड़े-बड़े प्रोफेसर आदि समय-समय पर विजिट करते हैं लैब्स को विजिट करते हैं इनक्यूबेटर सेंटर को विजिट करते हैं और फिर ये क्या करते हैं फिर ये लोग वहां जाकर अपनी बात रखते हैं अपनी चीजें अपने अनुभव साझा करते हैं अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ये भारत के जो समुदाय होते हैं समाज जो है भारत का बिल्कुल निचले तबके का उससे संबंधित पहल है और छठे नंबर का है अराइज एप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज अराइज सूक्ष्म और लघु उद्योगों से जुड़ा हुआ है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़ा हुआ है बेटा ऐसा कंटेंट तुम्हें मिलेगा नहीं बिल्कुल एक एक चीज तुम्हारे हाथ में तुम इग्नोर मत करना और जाना मत सभी लोग देखना जब क्लास एंड होगी तो किस लेवल पे होगे कितना तुम्हारा दिमाग बढ़ चुका होगा तो ये छह पॉइंट है किसके अंदर ये छह पॉइंट है अटल इनोवेशन मिशन के अंदर अराइज ये स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है ये देख लो मैंने छ में डाल दिया अटल टिंकरिंग लैब इंक्यूबेशन सेक्टर न्यू इंडिया चैलेंज अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस अराइज मेंटर ऑफ चेंज ये छह प्रोग्राम है किसके अंदर अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इसको आयोजित करता है आगे आ जाते हैं तीस जुलाई को जो बीते तीस जुलाई है अगस्त हो अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन को संबोधित किया है स्मार्ट इंडिया हैकाथन को क्या किया है संबोधित किया है स्मार्ट इंडिया हैकाथन यह दुनिया का सबसे बड़ा हैकाथन है छत्तीस घंटे तक इसमें काम चलेगा अब हैकाथन की बात क्या है बच्चा एक चैलेंज दिया जाता है क्या दिया जाता है एक चैलेंज एक लक्ष्य दिया जाता है कि भाई तुम्हें मान लो एक ऐप बनानी है क्या बनानी है एक ऐप तुम्हारे पास इतने घंटे हैं अब तुम्हें इन्हीं घंटों में बनानी है और तुम्हें देखते हैं कौन बनाता है तो याद रखिएगा लगभग दस हजार प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है छत्तीस घंटे तक चलेगी ये। एक से तीन अगस्त तक इसका पहला एडिशन दो में हुआ था और अब क्या है ये आपका 2020 में इसका ये वाला एडिशन है स्मार्ट इंडिया कथन। तो किसने किया इसको संबोधित हमारे मोदी जी ने किया आ गया जाता है नासा ने हाल ही में मार्स पर अपना रोबर भेज दिया है जिसका नाम है परसीविरेंस याद रखिएगा नासा का मंगल रोबर नासा ने अपना एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ऐसा एक स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है जो कि मंगल ग्रह पर जाएगा और वहां से मंगल ग्रह पर एक रोबोट उतरेगा क्या उतरेगा रोबोट फिर वो रोबोट मंगल ग्रह की सतह पर चलेगा तो चलने वाले जो रोबोट होते हैं उनको रोवर कह देते हैं मार्स रोवर तो रोबोट और मूव दोनों मूव करने वाला रोबोट तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि क्या कभी मंगल ग्रह पर कोई लाइफ रही थी क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था क्या मंगल ग्रह पर कभी प्राचीन समय में जीवन था कहां से भेजा गया इसको केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन अमेरिका के फ्लोरिडा में वहां से इसको लॉन्च किया गया एटलस पांच पांच सौ इस रॉकेट से लगभग टू पॉइंट सात का खर्चा है और में उतरेगा अठारह फरवरी 2021 को क्रेटर में उतरेगा 18 फरवरी 2021 अगली साल जी जीरो में उतरेगा और इस बार मंगल का यह तीसरा लॉन्च है मतलब इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन लॉन्च हो चुका है किसका संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन लॉन्च हो चुका है उसके बाद में चीन का लॉन्च हो चुका है और अब नासा का कौन सा हुआ है नासा का कौन सा हुआ है परसी विरेंस हुआ है मंगल के लिए किसके लिए मंगल ग्रह के लिए चलिए हालांकि याद रखिएगा इस पर कई प्रकार के उपकरणे जैसे जूमेबल कैमरे हैं सुपर कैमरा है माइक्रो इमेजर इस पर मौसम की जानकारी देने वाला भी है इसके ऊपर शरलॉक अल्ट्रा वायोलेट स्पेक्ट्रोमीटर वॉटसन इस पर मतलब मिट्टी इट्टी की जांच के लिए भी किरणों की जांच के लिए भी है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी है उसके अलावा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने वाला एक इसमें सिस्टम भी लगा हुआ है साथ साथ इसमें एक रडार है मतलब पूरा का पूरा इसको तामझाम लेकर भेजा है यह रोवर है जो मार्स की सतह पर चलेगा किसकी सतह पर चलेगा मार्स की सतह पर इसका नाम है समझ रहे हैं? एक और याद रखिएगा इसके साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी है जिसको इन जेन्यूनिटी नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है इनजेन्यूनिटी मार्स के ऊपर पहुंचने में जो लेकर गया है रोबर इसमें एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी है जिसको इन जेन्यूनिटी नाम दिया है और इसका नामकरण एक भारतीय मूल की लड़की वनीजा रूपानी ने किया है इसका नामकरण किसने किया है वनीजा रूपानी ने इससे पहले मार्स पर कई भेज चुका है 2018 में इनसाइट 2012 में क्यूरियोसिटी आपको याद होगा छह अन्य अंतरिक्ष यान भी इसके चारों तरफ मंगलयान के चारों तरफ अभी घूमकर इसके बारे में पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं तीन अमेरिका से दो यूरोप से एक भारत से आपको याद होगा भारत भी अपना मंगलयान एक भारत भी अपना मंगलयान एक लॉन्च कर चुका है 2008 में जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा गया था क्या कहा गया था 2008 में किया था हमने 2013 में किया था मार्स हमने इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन पांच नवंबर 2013, 2008 में तो हमने चंद्रयान भेजा था पांच नवंबर 2013, तेरह पांच नवंबर 2013 को मंगलयान एक हम आगे आने वाले समय में मंगलयान दो भी भेजना चाहते हैं 2008 में हमने चंद्रयान एक भेजा था और 2019 में चंद्रयान दो 2019 में चंद्रयान दो भेजा था चलिए नासा की बात करें नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये नासा जैसे भारत का इसरो ऐसा ही अमेरिका का नासा एक अक्टूबर उन्नीस से काम करना शुरू किया वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है और जे, जेम्स ब्रैंडस्टीन जेम्स ब्रैंडस्टीन ये नासा के कर्ता धरता है जेम्स ब्रैंडस्टीन ये नासा के कर्ता धरता है आगे आ गया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर अब समझिएगा ये क्या है आपको पता है कि अभी परमाणु से परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है परमाणु ऊर्जा से क्या बनाई जाती है बिजली बनाई जाती है विद्युत बनाई जाती है ध्यान से सुनिएगा परमाणु ऊर्जा से क्या बनाई जाती है विद्युत न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है न्यूक्लियर एनर्जी जो उत्पन्न की जाती है उस प्रक्रिया का नाम क्या है तो हम कहते हैं उसको हम उस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फिसन न्यूक्लियर फिसन रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन मतलब नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं नाभिकीय विखंडन के अंदर इसमें क्या होता है एक हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम या प्लोटेनियम का वो दो छोटे छोटे में टूट जाता है किस में टूट जाता है दो छोटे छोटे में टूट जाता है और क्या निकलती है एनर्जी निकलती है न्यूट्रॉन निकलते हैं तो इन न्यूट्रॉन के सहारे इनको कंट्रोल करके हम इस विखंडन को इस चेन रिएक्शन को और ये कैसी रिएक्शन होती है एक चेन रिएक्शन होती है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं और नियंत्रित करके ही नियंत्रित करके ही हम क्या बनाते हैं विद्युत बनाते हैं किससे थर्मोन्यूक्लियर या आप ये कह सकते हैं नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिसन के जरिए एक दूसरा भी होता है आपको याद होगा जिसके जरिए तारों में ऊर्जा होती है तारों तो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं करते जैसे हमारा सन है सूर्य है बाकी तारे हैं तो जो तारे होते हैं उनमें किस प्रकार से जो तारे चमकते हैं बहुत ज्यादा उनमें जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय सलियन प्रक्रिया से निकलती है किससे न्यूक्लियर फ्यूजन से नाभिकीय से ऊर्जा निकलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के मिलकर एक बड़ा हीलियम का बनाते दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के मिलकर एक बड़ा हीलियम तो अभी तक नाभिकीय विखंडन जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता था तो ऊर्जा तो बनाते थे ये जो प्रक्रिया तारों में होती है या जो हाइड्रोजन बम हम जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर बम ये इतने शक्तिशाली हैं कि इसका बाप नहीं इसका परदादा समझो इससे हजारों गुना शक्तिशाली और इसके जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट होते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होती है उनसे इतनी ज्यादा ऊर्जा निकल सकती है सोचो तारे तारे जो होते सूरज दस बिलियन साल तक सूरज अपनी ऊर्जा देगा पांच बिलियन हो चुके और पांच अरब साल और हमें इसी प्रकार से ऊर्जा देता रहेगा तो सोचो कितना ज्यादा उसके अंदर ये रिएक्शन होती होगी अभी तक हमने इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए नहीं किया लेकिन इसमें संभावनाएं हैं इसी संभावना को तलाशने के लिए एक इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ये फ्रांस में इसका असेंबल किया गया है क्या किया गया है असेंबल किया गया है फ्रांस के सेंट पॉल लेज ड्यूरेंस में समझ रहे हैं मेरी बात और इसको फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा होस्ट किया गया लगभग इसमें इसका नाम क्या है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर अब यहां पे देख रहे हो ये हमारा भारत भी इसमें है हमारा भारत चीन ये कई सारे देश इसमें शामिल हैं आई टी ई आर प्रोजेक्ट मूविंग टूवार फर्स्ट प्लाज्मा तो उससे जो एनर्जी होगी वो मैटर को प्लाज्मा स्टेट में ले आएगी जो आपका सूरज है वहां पर द्रव जो होते हैं वो कौन सी स्टेज है वो प्लाज्मा स्टेज होती है जिसमें गैस आयोनाइज फॉर्म में रहती है इतनी ज्यादा ऊर्जा की जो गैस होती है वो कौन सी फॉर्म में रहती है आयोनाइज फॉर्म में चलिए बच्चा इसको 35 देशों के सहयोग से लॉन्च किया गया है कितने देशों के सहयोग से 35 देशों के सहयोग से उन्नीस में ही लॉन्च किया गया था चलिए बच्चा एप्लीकेबल प्रिंसिपल तो वही मैंने बताया ये फ्यूजन पर आधारित है नाभिकीय संलयन सलियन पर आधारित है जो प्रक्रिया सूर्य और सितारों में होती है इसमें चीन यूरोपीय संघ भारत जापान दक्षिण कोरिया रूस और संयुक्त राज्य चीन यूरोपीय संघ के देश भारत जापान दक्षिण कोरिया रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है इसका इसमें टोकामक नाम का एक डिवाइस एक उपकरण होता है तो याद रखिएगा ये एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है कि जब नाभकीय सलियन प्रक्रिया होगी जो उससे ऊर्जा बनेगी उसके आसपास जो भी गैस होंगी उन सब गैस को वो किस में बदल देगी मैटर को प्लाज्मा में बदल देगी जो हमारे पदार्थ की चौथी अवस्था होती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर अब ये प्लाज्मा एक लिमिट में रहे ये फैले ना क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए चुंबकीय यंत्र बनाना पड़ेगा जो इस पर इतना ज्यादा दबाव बनाए कि इस प्लाज्मा को जाने ना दे तो उसी को क्या कहते हैं टोकामक कहते हैं तो फ्रांस में शुरू हुआ है टोकामक लगभग बनकर तैयार है चलिए इस तरीके से सिस्टम ये है बच्चा प्लाज्मा इसके बीच में ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है ये क्या है बहुत पावरफुल मैग्नेट ये पूरा का पूरा वैक्यूम है मतलब ये एक तरीके का इसको टोकामक कहते हैं क्या कहते हैं टोका कहते हैं समझ रहे मेरी बात चलिए और 830 मीटर क्यूब प्लाज्मा ही इसके अंदर आ सकता है और अभी इसको ये लोग किसने पर चला रहे हैं अभी मात्र 100 मीटर क्यूब पर इसको चलाया जा रहा है चलिए और अगर ये बनके तैयार हो जाता है सब कुछ ये बनकर तैयार हो जाता है तो ऐसा समझिए कि फिर ऊर्जा बनाने में बिजली बनाने में बिजली की कमी नहीं रहेगी और जो हम कार्बन का प्रयोग करते हैं कार्बन ये कोयले वगैरह का ये सब बंद हो जाएगा क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो भारत में पचपन प्रतिशत जो बिजली है वो कोयले से बनती है अब देखिए इसमें अगर हम फिगर देखें तो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस मिलियन को दस करूं लाख सौ से डिवाइड करूं तो करोड़ पंद्रह करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहेगा ऐसा समझ लो कि सूरज की जो कोर है सूरज से भी दस गुना ज्यादा आईटीआर मशीन जो होगी उसका वजन तेईस हजार टन है तीन एफिल टावर के बराबर तीन एफिल टावर के बराबर याद रखिएगा साठ मेगा न्यूटन ये फोर्स होगा इस मैग्नेट का ये जो मैग्नेट फोर्स लगाएगी अपनी तरफ चीजों को खींचेगी 60 मेगा न्यूटन 60 मेगा न्यूटन इतना ज्यादा कि जितना ज्यादा फोर्स किसी स्पेस सेटल अंतरिक्ष यान को उठाने में लगाया जाता है उससे ज्यादा लगभग डबल फोर्स होगा इसमें समझ रहे मेरी बात भारत का योगदान क्या है भारत ने जो आईटीआर का क्रायोस्टेट है क्या क्रायो स्टेट लो टेम्परेचर पर जो काम करते हैं जो लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर जहां रहता है वो किसने बनाया है भारत की एल टी ने बनाया है लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है यूरोपियन यूनियन इसमें सबसे ज्यादा 45 परसेंट इसका खर्चा उठा रहा है बाकी सारे देश मिलकर 9.1 9.1 परसेंट कुल 35 देश हैं टोटल मिला के चलिए कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा तो अब देखो इसमें कौन क्या क्या बना रहा है किरायो स्टेट ये हमने बनाया थर्मल शील्ड किसी ने बनाया वैक्यूम किसी ने बनाया डायवर्टर किसी ने बनाया तो ये अलग अलग देश इसको अलग अलग चीजों को मिलकर इसमें बना रहे हैं टोका तो मेक चलिए आगे आ जाते हैं इंडिया लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑर्फेनेज मतलब जो ऐसे जीव जंतु जो अनाथ हो गए जैसे क्या होता है कभी कभी यह बिछड़ गए गें अपने गैंग से तो उनको यहां पर क्या किया जाएगा उनका संरक्षण किया जाएगा महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अब अनाथालय महाराष्ट्र के वारजे में बन रहा है कहां पर बन रहा है बच्चा महाराष्ट्र के वारजे में महाराष्ट्र के वारजे में सबसे बड़ा अनाथालय छप्पन करोड़ रुपए की सहायता से पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक वारजे नाम की जगह है उसमें 130 एकड़ पर कितने पर 130 एकड़ पर वारजे में अनाथालय बन रहा है तो याद रखिएगा उद्धव ठाकरे सीएम है भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाते हैं छत्तीस हो जाते हैं महाराष्ट्र भाषा मराठी भारतीय विशाल ग्रह गहरी इनका पशु होता है येलो फुटेड ग्रीन पीजियन हरे पीले पैर वाले हरे कबूतर ये इनका क्या होता है पक्षी हो जाता है जरूल का फूल आम का पेड़ इनका पेड़ होता है लावड़ी महाराष्ट्र में लावड़ी ये लोक संगीत है कैसा संगीत है लोक संगीत महाराष्ट्र का लावड़ी ये लोक संगीत है लावड़ी जबकि गुड़ी पड़वा क्या होती है मराठी न्यू ईयर महाराष्ट्र में जो न्यू ईयर होती है उसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है सोलापुरी चादर इनको जीआई टैग मिल चुका है सोलापुर के तोलिए इनको नागपुर के ऑरेंज इन्हें भी जीआई टैग मिल चुका है पुनेर पगड़ी पुणे की पगड़ी होती है स्पेशल पैठानी साड़ी ये आ सकता है पैठानी साड़ी महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी नासिक के अंगूर कोल्हापुर का गुड़ गुड़ शक्कर नहीं खाते हो तो कोल्हापुर का गुड़ बस एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी पैठानी साड़ी बाकी सारे का सारा इसके किसी न किसी शहर के नाम पर है यहां पर देखोगे कोयना बांध कोयना नदी पर है सतारा जिले में जायकवाड़ी बांध ये औरंगाबाद जिले में है गोदावरी नदी पर तोतला डोहो बांध ये नागपुर में है पैंच नदी पर खड़क वासला ये पुणे में है मूथा नदी पर किस नदी पर मूथा नदी पर याद रखिएगा पुणे शहर ये मूथा नदी के किनारे बसा हुआ है पुणे शहर मूथा नदी के किनारे बसा हुआ है ईसापुर की बात करेंगे तो ये पेण गंगा नदी पर है नांदेड़ पेण गंगा नदी पर है ईसापुर बांध नांदेड़ में डांस देखोगे लावणी जबकि इनकी लोक थिएटर यह लोक संगीत ये लोक थिएटर जो थिएटर होते हैं तमाशा कोली नृत्य बिंदी धनगड़ी गाजा काला वारली वर्ली पेंटिंग यहां की प्रमुख पेंटिंग है लावणी तमाशा धनगड़ी गाजा म्यूजिक की बात करेंगे भालेरी पलाने ओवी टाइगर रिजर्व मेल घाट टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है अंधेरी टाइगर रिजर्व पैंच सायद्री नवी गांव बोर नेशनल पार्क ये कुछ यहाँ के टाइगर रिजर्व है ये बच्चा अपना महाराष्ट्र एक तरफ एमपी, एक तरफ गुजरात एक तरफ अरब सागर एक तरफ गोवा फिर इधर आ जाता आपका कर्नाटक तेलंगाना और उधर देखोगे तो अपना छत्तीसगढ़ इन सभी से इसकी सीमा लगी हुई है आंध्र प्रदेश से सीमा नहीं लगी हुई याद रखिएगा ना उड़ीसा से आगे जाते हैं आपका गुजरात जो पुलिस मैनुअल होता है क्या होता है पुलिस मैनुअल कि पुलिस कैसे कार्य प्रणाली हो पुलिस कैसे कार्य करे इसके ऊपर एक किताब लॉन्च करने वाला एक मैनुअल लॉन्च करने वाला आप देखोगे कि गुजरात दूसरा राज्य बना है इससे पहले आंध्र प्रदेश लॉन्च कर चुका है इससे पहले आंध्र प्रदेश 45 साल बाद एक नया मैनुअल आया है गुजरात पुलिस के लिए इससे पहले 1975 में आया था अब इसे पॉकेट कॉप इनकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है गुजरात सरकार की उसके ऊपर डाल दिया जाएगा और ईबुक के रूप में गुजरात पुलिस की वेबसाइट पर इंग्लिश और गुजराती में पॉकेट कॉप ऐप पर गुजरात की बात करें गांधीनगर आचार्य देवव्रत इनके राज्यपाल विजय रूपाणी मुख्यमंत्री एक विधानसभा की सीट छब्बीस लोकसभा की और ग्यारह राज्यसभा की सीट है ग्यारह क्या हो जाती है राज्यसभा की चलिए हरियाणा सरकार हाल ही में रिटेल एक्सपेंशन प्लान 2020 लेकर आ रही है क्या लेकर आ रही है रिटेल एक्सपेंशन प्लान, खुदरा विस्तार योजना 2020। खुदरा विस्तार योजना के तहत हरियाणा में लगभग हरित ब्रांड के नाम से 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे किसके नाम से हरित वीटा के अलावा और भी बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होंगी उनके उत्पाद इसमें उपलब्ध होंगे इनका उद्देश्य क्या है कि किफायती दामों में अच्छे सामान हरियाणा के लोगों को मिल सके हरित योजना इसको कह सकते हैं हरित रिटेल स्टोर सामान आदि बेचने की जो परचून की दुकान होती है ऐसा समझ लो याद रखिएगा वीरभद्र लेपाक्षी मंदिर यह आंध्र प्रदेश में यह मैंने आपको ऐसे दे दिया लेपाक्षी मंदिर इसलिए फेमस है वहां पर एक हैंगिंग पिलर है मतलब यहां पर एक इस प्रकार का स्तंभ है जो बिना नीचे से किसी सपोर्ट के उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है और वो फिर भी जमीन पर खड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं हैंगिंग पिलर कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा हैंगिंग पिलर कहते हैं मंदिर आंध्र प्रदेश चलिए सत्तर पिलर है इसमें ओवरऑल लेकिन इसका एक ऐसा है क्योंकि ये बिना किसी समर्थन के लटका हुआ है अगर आप देखोगे यहां पर यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो जो लिपाक्षी मंदिर है पूछा जाता है मंदिर अक्सर ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आते रहते हैं वहां से उठा लेता हूं मैं ये लिपाक्षी मंदिर है इसमें सत्तर पिलर है इस पिलर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है देखो इधर से इन्होंने कपड़ा निकाला इधर कपड़ा आ गया अगर कोई बीच में सपोर्ट होती तो कपड़ा कैसे निकल सकता था यह कहां पर है आंध्र प्रदेश लेपाक्षी मंदिर द्रेविडियन का है वीरापन्ना नायक और वीरन्ना वीरूपन्ना नायक और वीराना इन्होंने इसको बनाया था चलिए देखेंगे तो पंजाब और आंध्र प्रदेश में क्या है कि पंजाब में है गिद्धा पंजाब में क्या है गिद्धा और आंध्र प्रदेश का क्या है पुड़ी, आंध्र प्रदेश का क्या है पुड़ी, चलिए बिल्कुल सही याद रखिएगा आगे आ जाता है गूगल अपनी सबसे ग्रेस होपर नाम से ग्रेस होपर नाम से गूगल समुद्र के नीचे अपना केबल नेटवर्क बना रहा है क्या बना रहा है केबल नेटवर्क गूगल समुद्र के नीचे अपना खुद का इंटरनेट का केबल नेटवर्क बना रहा है क्या बना रहा है अपना खुद का केबल नेटवर्क बना रहा है जैसे यहां से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से यूनाइटेड किंगडम स्पेन ऐसे देशों को जोड़ने के लिए क्या बना रहा है बच्चा खुद का केबल नेटवर्क समुद्र के नीचे और उसका नाम क्या रखा है ग्रेस होपर नाम रखा है ये अमेरिका के अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे ग्रेस होपर उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है गूगल की बात करें तो अभी सीईओ सुंदर पिचाई स्थापना उन्नीस में हुई थी उसके संस्थापक थे लैरी पेज और सरजे ब्रीन इसकी जो मेन कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट इंक उसके अंदर कई सारी कंपनी आ जाती हैं हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया ये चार जो गूगल शब्द है ये चार अक्षर से मिलकर बनाए जी ओ एल ई जिसमें ओ को दो बार आया है जी दो बार ओ दो बार गो नहीं जी एक और दो बार ओ दो बार एल ई तो कुल मिला के छह अल्फाबेट हैं जिनमें से दो रिपीट हुए तो अलग अलग चार अल्फाबेट से मिलकर बनाए और चार इसमें नेचुरल कलर भी होते हैं एक रेड एक ग्रीन एक ब्लू एंड येलो आर जी बी और येलो रेड ग्रीन ब्लू और येलो याद रखिएगा ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है ग्रेट इंडियन शिपिंग कंपनी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को क्या किया है अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है क्या किया है अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है एक अगस्त आज से कार्यकाल शुरू होगा पांच साल तक के लिए पांच साल तक के लिए हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में भी इनको नामित किया गया था उर्जित पटेल जी को हाल ही में पिक्चर एक मतलब किताब भी लिखी है मुख्यालय मुंबई मुख्यालय कहां पर है मुंबई कोटक महिंद्रा बैंक ने एक अपनी नई पहल लॉन्च की है जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद कोना कोना उम्मीद किसने कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग और कैसे बैंक के क्रेडिट कार्ड आदि का प्रयोग करके आप अच्छे खरीददारी कर सकते हो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एम डी उदय कोटक इनकी टैगलाइन होती है लेट्स मेक मनी सिंपल आइए पैसे को सरल बनाए लेट्स मेक मनी सिंपल मुंबई इनका हेडक्वार्टर होता है कोटक महिंद्रा बैंक एमडी और सीईओ कौन है उदय कोटक साहब उदय कोटक साहब अब कर लेते हैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन फटाफट फटाफट आप लोग बताओगे सी आई आई कंपनी कौन इसका अध्यक्ष है फिक्की कब बनी, कौन इसका अध्यक्ष है तीसरे नंबर पर एसो चेम कंपनी कौन इसका अध्यक्ष है ग्रेट इंडियन शिपिंग कंपनी ग्रेट इंडियन शिपिंग कंपनी ने किसको नियुक्त किया ग्रेट इंडियन शिपिंग कंपनी ने किसको नियुक्त किया ओवरड्राफ्ट किसकी किताब है हाल ही में आई ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट किसकी किताब है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है सातवें नंबर पर आपका आ जाता है सातवें नंबर पर आ जाता है कोना कोना उम्मीद ये किस बैंक की पहल है कोना कोना उम्मीद अटल इनोवेशन मिशन इसके घटक बताइए ये छह घटक हैं इसके घटक बताइए सातवें नंबर पर नौवें नंबर पर आपका प्रश्न आ जाता है ब्रिक्स की पहला सम्मेलन दूसरा सम्मेलन अफ्रीका का इसमें शामिल हुआ ब्रिक्स देशों में इनकी पर्यावरण प्रदर्शन में क्या स्थिति है पर्यावरण प्रदर्शन में क्या स्थिति है साथ साथ बताना है भारत का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है इसमें कितने प्रदूषक तत्व तो हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक इसमें कितने प्रदूषक तत्व तो हैं ग्यारहवें नंबर पर आ जाता है बारहवें नंबर पर गूगल के संस्थापक गूगल के बारे में ग्रेस होपर यह किस कंपनी का प्रोजेक्ट है ग्रेस होपर और यह किससे जुड़ा हुआ है किस कंपनी का प्रोजेक्ट है और यह किससे जुड़ा हुआ है किस कंपनी का प्रोजेक्ट है किस से जुड़ा हुआ है नासा ने हाल ही में मंगल के लिए अपना एक रोवर लॉन्च किया है उस रोवर का उस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है रोवर का नाम क्या है उसके ऊपर जो हेलीकॉप्टर है उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है और वो हेलीकॉप्टर भारत के किस व्यक्ति ने बनाया है वो हेलीकॉप्टर भारत के किस व्यक्ति ने बनाया है ये भी आपको बताना है चंद्रयान वन और मंगलयान वन चंद्रयान एक और मंगलयान एक ये कब लॉन्च किए गए चंद्रयान एक और दो और मंगलयान वन ये किसने लॉन्च किए होप मिशन किसका मिशन है 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 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब लॉन्च की गई है प्रश्न आज बहुत अच्छे अच्छे हैं नॉलेज भी ब्रिक्स देशों के प्रधान ब्रिक्स देशों के आपको प्रमुख का नाम बताना है प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो उनकी मुद्रा बतानी है और आपको ये भी बताना है कि उनकी राजधानी क्या है उनकी राजधानी आदि क्या है इक्कीसवें नंबर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताना है किसके बारे में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताना है वन्य जीव का सबसे बड़ा वन्य जीव का सबसे बड़ा अनाथालय यह कहां पर ओपन किया जा रहा है वन्य जीव का सबसे बड़ा अनाथालय पॉकेट कॉप पॉकेट कॉप पॉकेट कॉप यह किस राज्य की पुलिस की ऐप है पॉकेट कॉप चौबीस नंबर पे आपका आ जाता है हरित ब्रांड से कौन परचूने की दुकान खोल रही है कौन सरकार हरित ब्रांड से परचूने की दुकान खोल रही है कौन सरकार हरित ब्रांड से रिटेल स्टोर खोल रही है हरित ब्रांड नाम से आगे आ जाते हैं गिद्धा गिद्दा यह किस राज्य का लोक नृत्य फोक डांस हो सकता है छब्बीसवें नंबर पर आ जाता है छब्बीसवें नंबर पर आ जाता है लावड़ी कहां के लोक संगीत है लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है लावणी किस राज्य का लोक संगीत है लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है बताना शुरू करूं देखो। कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1895 सौ उदय कोटक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 सौ दिल्ली घनश्याम दास बिड़ला अभी कौन है संगीता रेड्डी एसोच 1920 निरंजन हीरा नंदानी ग्रेट इंडिया शिपिंग कंपनी मुंबई की एम शेठ उर्जित पटेल को नियुक्त किया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पांच साल के लिए ओवर ड्राफ्ट भी उर्जित पटेल जी किताब है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ये भी उर्जित पटेल को अध्यक्ष एनडीबी 2015 से काम करना शुरू किया 2014 पे हस्ताक्षर मा प्राडो मार्कोस प्राडो ट्रायोजो ब्राजील की अभी इसकी प्रेसिडेंट बनी नई पहले के भी कामत थे है ब्रिक्स 2009 में पहली बैठक दो में दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित किया गया उसी वर्ष उसको सदस्य सदस्य के तौर पर दक्षिण अफ्रीका पहली बार 2011 में ब्रिक्स की बैठक में शामिल हुआ चलिए बच्चा पीएमजीएसवाई uh, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें 25 दिसंबर 2000 होप मिशन ये यूनाइटेड अरब अमीरात मंगलयान एक, 2000, एक 2008, दो चंद्रयान एक दो हजार आठ दो दो हजार उन्नीस कोना कोना उम्मीद उदय कोटक लेट्स मेक मनी सिंपल उदय कोटक उसके सीईओ अटल इनोवेशन मिशन अटल टिंकरिंग लैब अटल इंक्यूबेशन सेंटर मेंटर ऑफ चेंज अटल कम्युनिटी अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और लास्ट आ जाता है अराइज अटल रिसर्च एंड इनोवेशन अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस तो कितने हो जाते हैं इसके है? भाई अटल इंक्यूबेशन सेंटर अटल टिंकरिंग लैब मेंटर्स ऑफ चेंज अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अराइज चलिए 2018 में नीति आयोग कोना कोना ये हो गया उदय कोटक वाला हरित हरियाणा गूगल लेरी पेज सर चार सितंबर कैलिफोर्निया कंपनी के अंतर्गत आता है ग्रेस गूगल समुद्र के नीचे इंटरनेट की केबल बिछा रही है और अभी इसके जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई भारतीय है नासा की बात करें एक अक्टूबर उन्नीस से काम करना शुरू किया नेशनल एरोनोटिकल एंड स्पेस नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मैं बताऊं आपको आज तक मैंने जितनी भी न जाने कितनी चीजें याद कर ली लेकिन नासा का मुझसे नाम याद नहीं होता नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ए में गड़बड़ हो जाती एरोनॉटिक्स एरोनॉटिकल तो एरोनॉटिक्स याद रखिएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक अक्टूबर उन्नीस सौ अट्ठावन वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर जिम ब्रिंडिस्टीन जिम ब्रिंडिस्टीन इसके क्या है संस्थापक है जिम इसके वो हैं और बाकी सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया दिल्ली पुलिस का चलिए फॉर्म कैसे भरते हैं पूरी प्रक्रिया जानते हैं क्या एज है क्या है तुरंत ठीक है चलिए फिर आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू ऑल द बेस्ट जय हिंद जय जे भारत जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर